नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एनीमिया है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी है, तो केवल 10 दिनों में होम्योपैथिक दवाइयों से उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, दो तीन टॉपिक पर हम और बात करेंगे। नंबर एक, हमारे शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हैं। नंबर दो, खून ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता है, कैसे बनता है। नंबर तीन, अगर हमारे अंदर खून की कमी है तो इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और नंबर चार, हम खुद अपने घर पर कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको दो ऐसी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने वाला हूँ जिनके केवल 10 दिन के उपयोग से आपके अंदर खून की कमी नहीं रहेगी। तो जो लोग भी कमजोरी महसूस करते हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, उन सभी के लिए मेरा आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि खून बनता कहाँ है। दोस्तों, हमारे खून के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। दोस्तों, इन रेड ब्लड सेल के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है। अब प्रश्न ये है कि ये आरबीसी बनते कहाँ हैं? ये हमारी हड्डियों की बोन मैरो में बनते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसकी तो सभी हड्डियों के अंदर आरबीसी बनते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी हैं, उनकी जो बड़ी हड्डियां होती हैं, उनके किनारों के अंदर आरबीसी बनते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, उसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न नंबर दो ये है कि एनीमिया यानी खून की कमी होना किसे कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसे खून की कमी कहते हैं। पुरुषों के अंदर ये 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं के अंदर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगर पुरुषों के अंदर 13 से नीचे है या महिलाओं के अंदर 12 से नीचे है तो उस व्यक्ति को एनीमिया होता है। प्रश्न नंबर तीन, खून की कमी यानी एनीमिया के क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण तो यह है दोस्तों कि रेड ब्लड सेल जहां बनते हैं, रेड ब्लड सेल की जो फैक्ट्री है यानी कि हमारा बोन मैरो, अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो वहां से आरबीसी बनना कम हो सकते हैं या आरबीसी बनना बिल्कुल बंद हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें एनीमिया हो जाता है यानी हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। तो ये कीमोथेरेपी के कारण से भी हो सकता है। जब हम कैंसर के लिए किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी देते हैं तो उस वजह से उसकी बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, और ये कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के कारण भी हो सकता है। कारण नंबर दो, जब हमारी बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी के बनाने में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे नंबर एक पे आयरन, नंबर दो पे विटामिन B12 और नंबर तीन पर प्रोटीन। अगर हम अपने खाने के माध्यम से आयरन की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो इनकी कमी के कारण हमारी बोन मैरो के अंदर आरबीसी सही प्रकार से नहीं बन पाता है। तो उस वजह से भी हमारे अंदर खून की कमी होती है। दोस्तों, खून की कमी का जो तीसरा कारण है वो ये है कि हम अच्छा खा तो रहे हैं लेकिन हमारी आंतें उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं। आंतों के अंदर कोलाइटिस है, आंतों के अंदर जख्म है या आंतों के अंदर कीड़े भरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, हमारी जो आंतें हैं वो उन पदार्थों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो हम कितना भी अच्छा अच्छा खाना खा लें, कितना भी आयरन युक्त खाना खा लें, कितने भी प्रोटीन खा लें, लेकिन जब हमारी आंतें उस खाने को ठीक से पचा ही नहीं रही हैं, खाने में जो न्यूट्रिशन है उसको खींच नहीं रही हैं, तो हमारे अंदर निश्चित खून की कमी होगी। दोस्तों, खून की कमी होने का चौथा कारण यह है कि खून का रिसाव कहीं ना कहीं से हो रहा है। ये हमारी आंतों के अंदर से भी हो सकता है। अगर हमारी आंतों के अंदर कोई जख्म हो गया है तो सोच के रास्ते से खून बह जाता है और व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगर किसी को पाइल्स की समस्या लंबे समय से है और उसका निरंतर खून निकलता है तो इससे भी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगर किसी महिला के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, उसे माहवारी ठीक से नहीं होती, बहुत ज़्यादा माहवारी होती है, तो उस कारण से भी उस महिला के अंदर खून की कमी हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, किडनी में कोई समस्या है जिसकी वजह से खून बह रहा है पेशाब के साथ साथ, तो इस कारण से भी उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हुई है, जैसे कैंसर है या किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया है, तो उस वजह से भी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है।
लेकिन दोस्तों ये देखा गया है कि भारत में खून की कमी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी होना ही है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसके अंदर खून की कमी है तो वो इसका पता कैसे लगा सकता है। तो इसका घर पे हम एक सामान्य सा चेकअप कर सकते हैं। आँख को खोल के शीशे के सामने जाइए और अपने आँख को ऐसे नीचे की तरफ को खोल के देखिए। अगर आपकी आँख के अंदर की ये जो स्किन है ये अंदर से लाल रंग की है तो समझिए कि आपके अंदर खून की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपकी आँख के अंदर की ये जो स्किन है ये पीली हो गई है या सफ़ेद हो गई है तो निश्चित रूप से आपके अंदर खून की कमी हो गई है। दोस्तों इसे कंफर्म करने के लिए आप छोटा सा एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि आपके अंदर खून की कमी कितनी है। और दोस्तों अगर आपके अंदर खून की कमी है तो इसकी वजह से आपको बेहद कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये रेड ब्लड सेल्स ही करती हैं। जब हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है यानी खून की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं जा पाती। इस वजह से हमारा दिमाग कम काम करता है, दिमाग में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है, क्योंकि काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हमें मिलती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करती है RBC। अब जब RBC की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से हम बेहद कमजोरी महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर खून की कमी है तो इस खून की कमी को दूर करने के लिए दो बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये दोनों ही दवाई बायोकेमिक दवाइयां हैं और ये टैबलेट की फॉर्म में आती हैं। इनमें से पहली दवाई का नाम है फेरमफॉस 6X, ये आपको जरूर इस्तेमाल करनी है, और दूसरी दवाई का नाम है लेसिथिनम 6X। दोस्तों ये लेसिथिनम भी बहुत ही जबरदस्त दवाई है। अगर किसी व्यक्ति को भूख कम लगती है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी है तो लेसिथिनम बहुत ही बेहतरीन काम करती है। लेने का तरीका ये है दोस्तों, आप इन दोनों दवाइयों को 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार अपने मुंह में डालकर टॉफी की तरह चूसिए। दोस्तों आप इन दोनों टैबलेट्स को एक साथ भी ले सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप इन दोनों टैबलेट्स को मुंह में डाल के चूसोगे तो ये आपको स्वाद में मीठी लगेंगी, लेकिन इनको शुगर पेशेंट भी बहुत ही आसानी से बेफिक्र होकर ले सकते हैं, इनसे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपने अपना खून टेस्ट कराया है, आपका RBC लेवल 10 से नीचे है तो 10 दिन ये दवाइयां लेने के बाद अपना दोबारा से आप खून टेस्ट कराइए, आपका RBC लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको ये दवाई 10 दिन के बाद बंद नहीं करनी है, आपको ये दवाई लगातार 1 से 1.5 महीने तक जरूर लेनी है। दोस्तों इन दवाइयों के लेने से आपके बोन मैरो के अंदर RBC का प्रोडक्शन तेज हो जाएगा। दोस्तों इन दवाइयों से आपकी भूख भी बढ़ेगी और इन दवाइयों से आपके शरीर की हर प्रकार की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों मेरा आपको ये सुझाव है कि दवाइयों के साथ साथ आप अपने खाने में फलों को भी ऐड करें। अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी है तो उसे एक सेब रोज जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सेब खाने से हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर आप खजूर खा सकते हैं, खजूर खाना आपको पसंद है तो खजूर खाइए, खजूर खाने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने खाने में हरी सब्जियों को ऐड करें, ऐसी सब्जियां जैसे अभी सर्दी का मौसम है पालक है, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो इससे आपको भरपूर आयरन मिलेगा जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके किसी परिचित के अंदर खून की कमी है, उसे एनीमिया है, तो हमारा ये वीडियो आप उसे जरूर सेंड करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको मेरा नमस्कार।